हेलो एवरीवन वेलकम टू की आज हम लोग करेंगे सीबीएसई का सैंपल पेपर क्लास ट्वेल्व के लिए केमिस्ट्री का सीबीएसई का सैंपल पेपर जो आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर आया था वो हम पूरा सैंपल पेपर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलोंग अलॉन्ग एक्सप्लेनेशन और ये वो सैंपल पेपर है जिसके बेसिस पे आपका जो अपकमिंग एग्जाम है वो आप डिसाइड कर सकते हो अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे किस तरह का लेवल होगा या कैसे क्वेश्चन है मतलब अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप अंदाजा अब तक आई थिंक आप सारी चीजें आ, एक बार पढ़ चुके हो है ना रिवीजन कर चुके हो वैसे भी मैं डायरेक्टली डेली जो आपका करवा ही रही हूँ करने के लिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता आई थिंक आपको सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए सैंपल पेपर सॉल्व करने का बेनिफिट क्या होगा बेटा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आता है कि या किस टॉपिक पे नहीं आता जिसको आपको थोड़ा ज्यादा रिवाइज करना है फाइन तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है आई थिंक आपको ऑलरेडी क्लियर होगा प्री बोर्ड आप सब लोग दे चुके हैं ठीक है एंड

55 में से आपको 45 यानी 10 क्वेश्चंस कोई भी आप ड्रॉप कर सकते हो सेक्शंस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आपके इक्वल मार्क्स के हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये तो होगी जनरल इंस्ट्रक्शन पेपर की अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन में आपका सबसे पहले है बेटा सेक्शन ए सेक्शन ए में पच्चीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ट्वेंटी करने से ना और उनमें सपोज करो अगर बच्चा ट्वेंटी uh, से ज्यादा कर देता है

सेल्फ लिंकिंग जैसे कार्बन कार्बन जुड़ता है ना फॉस्फोरस आपस में जुड़ेगा दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी उसे आप क्या कहते हैं चौथा क्या है नाइट्रोजन 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 इज वीकर देन मतलब सिंगल बॉन्ड जो है के बीच का और फॉस्फोरस का उनको कंपेयर किया गया है पूछा गया था चारों में से ट्रू स्टेटमेंट क्या है चारों में से बेटा ट्रू स्टेटमेंट है आपकी डी क्यों क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन का साइज है वो स्मॉल साइज है ठीक है जो उसके ऊपर लोन पेयर्स हैं वो आपस में आपका क्या करते हैं

का मतलब क्या है जहां पे रेशियो आपकी सेम नहीं रहती थी एनायन के रेशियो जो है, है. फ्रेंक, में, फ्रेंकल और शॉर्टकी तो बहुत अच्छे से करना ठीक है ना फ्रेंकल और शॉर्टकी बहुत अच्छे से करना इनफैक्ट डिफेक्ट्स में आपका का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है ठीक है सबकी डेफिनेशन की सब में क्या होता है वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं जो सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस इन दोनों चैप्टर की क्विक रिवीजन ऑलरेडी डल चुकी है सॉलिड स्टेट की सॉल्यूशंस की डल चुकी है हेलो uh, एल्केन्स की डल चुकी है तो जिनकी जिनकी क्विक रिवीजन डल गई है उसको आप एक बार प्लीज देख लीजिए सो दैट आपको टॉपिक आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन मेटल डेफिशियं डिफेक्ट ठीक है

आप लोगों ने ध्यान पढ़ रखा होगा पी वन अपॉन टी वन टू पी टू अपॉन टी टू यह है आपका गेहूक्स लॉक चारों में से बेटा रॉयल्स लॉ आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन रॉयल्स लॉ आपका करेक्ट आंसर है वोलेटाइल जो आपका कंपोनेंट्स है उनके लिए लॉ दिया गया है ठीक है जिसमें आपका हेनरीज लॉ का अगर रिलेशन आपको ध्यान हो हेनरीज लॉ का रिलेशन ये था है ना मास ऑफ गैस कितनी डिजॉल्व है ये हेनरी कॉन्स्टेंट होता था ये पार्शल प्रेशर है उस गैस का सो हेनरीज लॉ एक तो जब भी आपकी डेफिनेशन आएगी उसमें गैस गैसन होगा ठीक है नो डाउट उसको आप मोल फ्रैक्शन से को रिलेट कर सकते हो क्योंकि कई तरह के रिलेशन दिए हुए हैं बुक में अगर जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ रखा होगा लेकिन ये जो डेफिनेशन दे रखी है ये हेनरीज लॉ के लिए नहीं है है ना अदरवाइज यहाँ पे गैस का कहीं ना कहीं कुछ मेंशन किया होता सो करेक्ट आंसर यहाँ आ जाएगा रॉयल्स लॉ चौथा क्वेश्चन पिंक कलर ऑफ एलई क्रिस्टल है ना एलआईसीएल क्रिस्टल लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल्स का जो पिंक कलर आता है वो किस वजह से आता है ठीक है ये भी डिफेक्ट्स का क्वेश्चन है है एंड ये आपका आता मेटल एक्सेस डिफेक्ट फ्रेंकल मेटल में कोई कलर नहीं आता इसमें अगर आपको ध्यान हो केसीएल का कलर भी आता है सोडियम का भी आता है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का है ना सोडियम क्लोराइड का आई थिंक आपका था येलो ठीक है केसीएल का आपका हो गया वॉयलेट एंड लिथियम क्लोराइड का आपका हो गया पिंक कलर फारबे सेंटर आपको ध्यान होगा ड्यू टू एफ सेंटर एफ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है फारबे सेंटर एफ ए आर बी ठीक है इलेक्ट्रॉन स्ट्रैप हो जाते हैं उसी के कारण ये कलर आता है क्रिस्टल में ठीक है पांचवा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर पॉइंट पूछा हुआ है एल्केन का ये क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट में अब यहां आप देख सकते हो बेंजीन बेंजीन लाइन से दिख रहा है मतलब हेलो स के रिगार्डिंग पूछा गया है तो हेलो अरिंस में बेटा जो आपका पैरा आइसोमर होता है ना पैरा आइसोमर ठीक है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है पैकिंग है ना आपने अगर मेल्टिंग uh, पॉइंट का पढ़ा होगा जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है राइट सो पैरा आइसोमर वाला आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो अब यहाँ ढूंढे पैरा आइसोमर कौन सा है वन फोर ये जो चौथा दे रखा था ना ऑल आइसोमर सेम मेल्टिंग पॉइंट ऐसा नहीं होता है ठीक है आइसोमर का आपका ज्यादा होगा सो so वन फोर डाईक्लोरोन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया ठीक है अगला है आपका सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें एक्चुअली बेटा टोटल फिफ्टी फाइव क्वेश्चन है मैं सारे सोल्व करवा दे रही हूँ एंड मैंने आप लोगों के लिए सारे इनफैक्ट सोल्व भी किए हैं और कॉन्सेप्ट भी मुझे लगा कि सारे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस हम साथ ही साथ रिवाइज भी करते जाएंगे कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज हो जाता है राइट सो बच्चे के लिए भी ठीक रहता है सिक्स क्वेश्चन आपका है बायोमोलिक्यूल uh, से रिलेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन

वहां पे आपके सब जगह एसिटेट्स आ जाते हैं ठीक है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब आप ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आई थिंक सबको पता है कि नहीं पता है तो रुको मैं एक बार स्ट्रक्चर बना देती हूँ तो दैट आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा एंड uh, थोड़ा ऊपर बनाते हैं वरना ढक ना जाए जी बिकॉज नीचे मेरी फोटो आ रही होती है ना तो वेट इसको भी मैं रब करना चाहूंगी फाइन uh, तो कितने कार्बन होंगे एक दो तो, तीन चार पांच छह ठीक है सी एच ओ सी टू एच सी सी एच टू ओ एच ये आपके दोनों एंड्स पे हैं उसके बाद है आपका एच ओ एच एच फिर से -ओ एच ओ एच और एच ओ एच कॉन्फिग्रेशन सबको पता है ना डी और एल कैपिटल डी कैपिटल एल ठीक है किसी को ध्यान है यहाँ पे आपका सबसे नीचे ओ एच अगर राइट में होता है तो आपका डी है ओ एच अगर लेफ्ट में होता है तो एल है ठीक है और जो स्मॉल डी स्मॉल एल होता है दैट इज समथिंग डिफरेंट वो है आपका डेक्सट्रो लीवर रोटेटरी वो आपका इनशियोमर के लिए यूज होता है ठीक है ये आपका कॉन्फिग्रेशन के लिए है ये कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपका आता है अगर जिसने भी डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा ना सीरो केमिस्ट्री में उसको इसके बारे में पता होगा तो बेसिकली ये जो आपके पांच ओ एच है इनके साथ आपकी रिएक्शन हो जाती है और पेंटा पेंटाएसिटेट बनता है ठीक है तो ये आपका ओपन चेन से हो जाता है

अब अल्फा और बीटा का जो स्ट्रक्चर है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं ये आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर पता लग गया ना अब मैं आपको बेटा अल्फा एंड बीटा का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो बना के दे दे रही हूँ ये स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना उसका रीजन क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान से देखो मैं दोनों कंपेरेटिव फॉर्म में बनाऊंगी ठीक है एंड इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं दरवाइज ए ऑक्सीजन यहां पे है ठीक है ये लो ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर हो गया उसके बाद एच ओ एच ठीक है ये आपका यस सी और ये वाला हाँ ये पहला कार्बन हो गया ना ठीक है पहला कार्बन यहां से हो रहा है उसके बाद आपका इसी तरह से आगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यहां छठा आ जाएगा तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा टी एच टू ओ एच ठीक है इधर भी आपका सेम रहेगा क्लियर OH. हो गई अब जो फर्क आएगा वो कहाँ आएगा एच ओ एच सेकेंड पे भी एच ओ एच ना? यहाँ पे आपका क्या था ओ एच एच यही था ना आपका पहला दूसरा तीसरे पे ठीक है एंड उसके बाद फिर से एच ओ एच था और उसके बाद यहाँ पे एच आ जाएगा मैं एक बार ना वो वाला स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि बच्चों को कंपेरेटिव अगर याद रहे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा लेट मी ड्रॉ इट अगेन पी एच ओ पी एच टू ओ एच एच ओ एच एंड थर्ड वाले पे था ना ओ एच एच ये लो पहला दूसरा तीसरा तीसरे पे ओ एच एच है ना पहला दूसरा ये तीसरा ठीक है ये आपका थर्ड वाला था इसीलिए आपका ओ एच ऊपर एच नीचे ठीक है प्लेन अगर आप शो कर रहे हो तो ये आपने जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया ठीक है ये आपका डी ग्लूको है

आ, ये बाकी सारे आपके स्ट्रक्चर सेम है पहले कार्बन पे सी वन कार्बन पे अगर एच ऊपर OH नीचे, नीचे का क्या? की है, था जो ये वाला हमने किया, ये अल्फा फॉर्म है ठीके? ये दोनों आपका देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर से पता लग पा रहा है तो करेक्ट आंसर सिक्स का आ जाएगा डी ये ओपन चेन से नहीं पता लगता ठीक है जी फिर है आपका सेवेंथ क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है आ, डाई मिथाइल इथर इज एन डाई मिथाइल इथर बनाने का जो विलियमसन प्रोसेस है वो किस टाइप की रिएक्शन है एस एन वन है एस एन टू है एलिमिनेशन uh, है या एडिशन है तो so, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं आंसर आंसर पहले मैं आपको बाद में बताऊंगी आर ओ एन ए रिएक्ट आपका करेगा आर एक्स के साथ गोटेट आर ओ एन ए आपका रिएक्ट करेगा uh, उसके साथ आर एक्स के साथ एंड ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जाहिर सी बात है डेल्टा नेगेटिव यहाँ आपका आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये आपका अटैक करेगा पॉजिटिव पे सोडियम पॉजिटिव होगा ना ये अटैक करेगा इसके ऊपर आर ओ नेगेटिव तभी तो आपका क्या बनेगा तभी आपका क्या बनेगा यहाँ से आर ओ आर ठीक है ये अगर मैं दोनों आर डिफरेंट ले, ले लेती तो यहाँ पे R और आर ओ डैश आपका ये पता लग सकता था साथ में एन ए एक्स जैसे आपको दिख रहा है ये बेटा विलियमसन सिंथेसिस है ठीक है ये बैक से अटैक हो रहा होता है दिस इज एस एन टू रियक्शन आपको पता है रिएक्शन में क्या होता है कार्बोकटाइन बनता है राइट एस एन टू स्टेप रिएक्शन होती है तो यहां पे था आपका एस एन टू रिएक्शन ठीक है अब इसको याद रखना विलियमसन सिंथेसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है इथर से ही आपका टॉपिक है चलो एट क्वेश्चन है क्लोरीन वाटर लूजे इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग क्लोरीन वाटर का जो येलो कलर है वो क्यों चला जाता है अगर आप ऐसे ही मतलब छोड़ दोगे तो एच सी एल गैस प्रोड्यूस ड्यूट द एक्शन ऑफ सनलाइट अ मिक्सचर ऑफ एच ओ सीएल गैस इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन वाटर बेटा आपको पता है लाइट की प्रेजेंस में क्लोरिनेशन एचमयू ये रिएक्ट कर जाता है ना फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाती है अगर ध्यान हो तो इसलिए आपका कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा है ना वो चेंजेस क्या है वो आपको पता होना चाहिए अगर मैं आपसे कहूं क्लोरीन वाटर मतलब सीएल टू प्लस एच टू हो ठीक है चलो ऑप्शन पहले एक बार देख लेते हैं

बी ऑप्शन आ जाएगा ठीक है इसको हम क्या कहते हैं एचओसीएल एचओसीएल को हाइपोक्लोरस हाइपोक्लोरस एसिड एसिड ठीक है ये नाम भी पता होना चाहिए क्या पता यहाँ पे अगर नाम ही लिखा होता तो हाइपोक्लोरस एसिड क्वेश्चन नंबर नाइन ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से बनता क्या है एल्कीन बनता है बाई क्वेश्चन आपका मैकेनिज्म पे बेस्ड है मैकेनिज्म में आपके तीन स्टेप्स हैं ठीक है प्रोटोनेशन होती है प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है उसके बाद प्रोटोनेटेड अल्कोहल से आपका फर्दर आके कार्बोड्राइन बनता है उसके बाद लॉस ऑफ प्रोटोन होता है ठीक है सो उसके बेसिस पे आपका जो यहाँ पे पूछा गया था पहला स्टेप पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल सो so, पहली ऑप्शन आपकी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी ठीक है टेंथ क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन है आपका फिर एमॉर्फसॉलिड uh, ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर का क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर का एमोरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड दो तरह के सॉलिड होते हैं ना

खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको आंसर पता हो है ना सेलिसल डिहाइड क्या होता है और बाकी सारी रिएक्शन में क्या क्या है वो भी पता होना चाहिए तो शुरुआत करते हैं कोबेज रिएक्शन से ठीक है कोबेज रिएक्शन आपका पहली बात होती है सेलिसिलिक एसिड के लिए फॉर सेलिसिक एसिड ये इसलिए बता दे रही हूँ कि अगर ये चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं इनमें से अगर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए किसमें क्या बन रहा है Uh, किसको किसको आप रिएक्ट करवा रहे हो राइट कोबेज़ रिएक्शन ध्यान से आप मैं डिलीट कर दूंगी जगह की प्रेजेंस में तो आपको पता है कि एनएच के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले सोडियम इथोक्साइड सॉरी सोडियम फिनोक्साइड बन गया ठीक है ये था फिनोल यहाँ क्या बन गया सोडियम फिनोक्साइड नाम भी लिखू डिलीट हो गया चलो एक मिनट सोडियम फिनोक्साइड ठीक है एंड इसके बाद ये अगले स्टेप में वेट मिनट अगले स्टेप में ये रिएक्ट करेगा ठीक है सीओ टू के साथ सीओ टू के साथ एंड उसके बाद एसिडिक मीडियम में आप इसको रिएक्ट हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो तो फाइनली आपका यहां तो ओ OH एच आ जाता है और ऑर्थो पे सीओ बेटा एच एसिड का स्ट्रक्चर है एसिड का स्ट्रक्चर है ये ठीक है तो ये रिएक्शन अच्छे से कर लेना फिनोल को आप पहले एनोवेट से ट्रीट करते हो सोडियम फिनोक्साइड बनता है सॉल्ट फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एच प्लस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो आपका कार्बन डाइक्साइड सीओ है ना ये COO ही लगा है यहाँ एच था उसके बीच में आपका इंसर्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की ठीक है और यहाँ पे सोडियम की जगह एच आ गया तो सैलिसिलिक एसिड बनता है आपका कोबेज रिएक्शन से पहली रिएक्शन डन फिर नेक्स्ट आपकी आती है इटार्ड रिएक्शन ठीक है नोट डाउन आई थिंक आपने कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो बट नोट डाउन जरूर कर लेना क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वैसे भी बेटा जब जब मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया मैं के के साथ साथ पढ़ रहे हो नोटबुक के या रजिस्टर के अपने लास्ट में आप ऊपर चैप्टर का नाम लिखो नेम रियक्शन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो साथ के साथ लिखते जाओ है ना तो कभी भी आपकी नेम रिएक्शन कोई मिस नहीं होगी एंड उसको रट्टा नहीं मानना है रेगुलर दो तीन दिन बाद एक बार रीडिंग दे दो दैट्स इट उसमें ना आपका आपके दिमाग में बैठ जाता है अच्छा किस रिएक्शन के लिए कौन सा सबस्ट्रेट है क्या प्रोडक्ट है आफ्टर सम टाइम वो आपको अपने आप याद हो जाता है सो प्रैक्टिस अ मैन परफेक्ट और यहां पे वो बिल्कुल फॉलो होती है कि आपको रेगुलर रिवीजन जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में ठीक है इटार्ड रिएक्शन आपकी बेटा होती है फॉर बेंजल डिहाइड ठीक है फॉर बेन्जलहाइड आपकी है इटार्ड रिएक्शन ठीक है इटार्ड रिएक्शन में आपने लेना है टॉलवीन ठीक है ना टॉलवीन पता है ना बेंजीन के साथ जब आपका लग जाता है पी एच थ्री ये आपका सॉरी टॉलवीन ठीक एंड जो आप रिएक्ट करवाते हो वो आप करवाते हो सी आर ओ टू सी एल टू इन सी टू कैल्शियम डाइसल्फाइड आपका सॉल्वेंट है इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाते हो एंड आपका बन जाता है बेंजल डिहाइड बहुत सिंपल है लेकिन ये रिएक्शन पूछी जाती है ठीक है क्रोमाइल क्लोराइड आइए सीआरओ टू सी एल टू क्रोमाइल क्लोराइड और सोल्वेंट क्या है सी एस टू कैल्शियम डाइसल्फाइड इट इट आर्ट रिएक्शन हो गया फिर आई आपकी अगली राइमर राइमोट रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर भी है जिसमें आपका बन क्या रहा है सेलिसलडिहाइड ठीक है ना डिहाइड यहां मैं शॉर्ट में लिख रही हूं आरटी रिएक्शन ठीक है आप पूरा लिख लेना इसमें आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म uh, से ठीक है बेटा एक चीज और रायमन टाइमन रिएक्शन में ना अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह आप सीसीएल फोर यूज कर लोगे ना तो आपका सेलिसिलिक एसिड बनेगा ठीक है सेलिसलिक एसिड बनेगा अगर आप सीसीएल फोर यूज करेंगे लेकिन क्लोरोफॉर्म अगर आप यूज करते हैं तो सैलिसल डिहाइड ही बनता है ठीक है साथ में थ्री एन एच ये आपने रिएक्ट करवाया एंड आई थिंक थ्री फोर्टी कैलविन टेम्परेचर था इफ नॉट रॉन्ग यस थ्री फोर्टी कैल्विन टेम्परेचर था सॉल्ट आपका पहले क्या बनेगा ओ एन ए यहां लग जाएगा एंड सी एच ओ ठीक है फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा हाइड्रोलिसिस एच टू ओ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ठीक है सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आपने किया तो आपका बन गया ओ एच एंड यहां पे सी एच ओ ये बन गया आपका सेलिसहाइड ठीक है इसी रिएक्शन में अगर आप यूज कर लेते हैं जी क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा गॉट इट इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो आखिरी रिएक्शन है फॉर एल डी हाइड एल डी हाइड के लिए आपकी इसकी क्या रिएक्शन है हाँ एल के लिए आपकी इसकी रिएक्शन है कि रिडक्शन uh, uh, है ना तो पहले तो ये देख लो कि रिएजेंट क्या है टिन तिन का आपका क्लोराइड ये स्टेनस क्लोराइड इसको जब आप एच से रिएक्ट करवाते हो ना तो आपका एस एन सी एल फोर बन जाता है और साथ में आता है जैसे नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना वैसे ही नेसेंट हाइड्रोजन ये नेसेंट हाइड्रोजन फिर फर्दर रिएक्ट करेगा सो so, मिथाइल साइनाइड को आप रिएक्ट करवा रहे हैं उसकी रिडक्शन करवा रहे हो और एच सी एल की प्रेजेंस में करवा रहे हो इफ यू डोट माइंड मैं इसको ना रब कर देती हूँ अदरवाइज यहाँ नीचे ना अच्छे से नहीं आएगा पहली रिएक्शन तो ठीक है रहने देती हूँ बाकी मैं रब कर दे रही हूँ फिर खिचपिच खिचपिच में मजा नहीं आता पढ़ाने में है ना और ऑर्गेनिक के लिए तो वैसे अच्छा खासा पेज अच्छी खासी जगह स्पेस सब कुछ चाहिए होता है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने रिएजेंट्स लिखने पता नहीं क्या कुछ लिखना होता है चलो जी तो हम अपनी चौथी रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टीफन रिडक्शन ठीक है और इसमें मैंने आपको बता दिया रिएजेंट है आपका स्टेनस क्लोराइड जो कि आपका पहले HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करके एस एनसीएल फोर बनाता है एंड नेसेंट हाइड्रोजन देता है जैसे नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना फ्री ऑक्सीजन वैसे ही नेसेंट हाइड्रोजन है अब रिएक्ट क्या करता है जैसे मैं आपको बता रही थी मिथाइल साइनाइड लिया हमने ठीक है एंड ये नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा साथ में है आपका एचसीएल तो अगर आ, दूसरी बात यह है कि ये रिएक्शन आपकी होती है बेटा राय इथर में रूम टेम्परेचर पे टू या टू नाइन के अराउंड बनेगा क्या आपका सबसे पहले वो देख लो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन एच डॉट एच सी एल ठीक है Acetyl -dimine hydrochloride, double bond NH imine होता है होता ठीक है दो कार्बन वाला था इसलिए एसिटल डीमीन एसिटल डिमीन देख लो यहां क्या लिखा हुआ एसिटल डिमीन हाइड्रोक्लोराइड ठीक है ये आपका नेक्स्ट स्टेप में अब आप इसको क्या करेंगे बॉइलिंग वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दोगे या हीट कर दोगे दो अगर आप इन शॉर्ट कहो तो यहां बन जाएगा आपका एल्डिहाइड डी हाइड ठीक है इसके केस में एंड एन एच फोर सी एल ये देखो ना यहाँ पे दो एच इधर लग जाएंगे दो एच और ऑक्सीजन इधर लग जाएगा बॉइलिंग वाटर में है ना दो एच इधर चले गए ऑक्सीजन इधर आ गया तो सिंपल है सी एच थ्री सी एच ओ प्लस एन एच फोर सी एल वॉट राइट मैंने आपको चारों रिएक्शन करवा दी

सॉल्वेंट का मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा लिक्विड है ठीक है जैसे आप कोलोइ पढ़ोगे वहां पे भी डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम ये था ना तो उसी के बेसिस पे आपका ये कॉन्सेप्ट है तो दोनों चीज आपका सॉलिड कब होगा जी वाटर में नहीं शुगर सोल्यूशन नहीं स्मोक नहीं यहाँ तो गैशे स्टेट आ गई ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड में आपका क्या ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड प्योर होता है ना ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड आपका इम्प्योर uh, हुआ ना तो ये तो उसमें गोल्ड तो था ही उसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं

Uh, पहले मैं आपको रीजन करवा दू यहां पे रीजन है आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप लेकिन एक्सेप्शन क्या है एच टू एस आपका वाटर uh, का आपका ज्यादा होगा एच टू एस का कम होगा ठीक है उसका मतलब इन दोनों के केस में खाली आप जब कंपेरिजन कर रहे हैं क्यों क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है सो

फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा बढ़ता जाएगा गॉट इट रीजन लिख लो मोलिकुलर uh, साइज लिख लो है ना मॉलिक्यूलर साइज इनक्रीजेज अच्छा उसके बाद वेंडरवॉल फोर्स इंक्रीजेज ठीक है शॉर्ट में लिख लो मैं आपको लिखवा रही हूँ वेंडरवॉल फोर्सेज इंक्रीजेज एंड सरफेस एरिया इंक्रीजेस ठीक है ना तो इस सारी चीज कॉन्ट्रीब्यूट कर जाएगी अगर कहीं आपका एसर्शन रीजन आया तो कम से कम आप कर पाओगे ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबल uh, प्रोटीन के रिगार्डिंग है अगर मैं आपसे कहूं फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबल प्रोटीन में मैं आपको कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करना चाहती हूँ पहले तो लेट मी करेक्ट इट ऑल्सो सो दैट आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए फाइब्रस प्रोटीन बेटा इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं ठीक है इसमें से पूछा था चारों में से करेक्ट क्या है

डाइसल्फाइड लिखे जैसे डाइसल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड्स वगैरह होंगे ठीक है तो ये चीज आपको फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन ये अच्छे से पढ़ लेना और इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ लेना ठीक है ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर मैं बात करूं आपका ग्लोबुलर का मतलब क्या है ग्लोब्यूल बन जाएगा है अंदर की साइड क्या होता है अंदर साइड है आपका लिपोफिलिक पार्ट इसका है ना फैट वाला पार्ट बाहर आपका क्या है हाइड्रोफिलिक पार्ट हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो लविंग पानी लविंग तो सी बात है पानी के साथ क्या करेगा बॉन्ड्स अच्छे बनाएगा सॉलिबल होगा इन ग्लोबुलर तो प्रोटीन, प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं आपके बेटा एक तो एल्ब्यूमिन ये जो दे रखा है ना फाइब्रस प्रोटीन फाइब्रस नहीं है ग्लोबुलर है एल्ब्यूमिन हो गया और एंजाइम्स आपके जितने हैं वो भी इसी में आते हैं ठीक है एंटीबॉडीज यहीं पे आपके आती हैं इसी के केस में आएंगी अच्छा और क्या हो गया और आपका जो एच बी है ठीक है uh, एच बी यानी हीमोग्लोबिन और uh, और क्या था हीमोग्लोबिन हो गया यस इंसुलिन ठीक है फाइब्रिनोजेन ये सारे इसमें ही हैं तो ये सब आपने जैसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है ना फाइब्रीनोजन वहाँ आपका आता है इंसुलिन आपका हार्मोन है याद है जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके उसके रिगार्डिंग में आपने पढ़ा होगा तो ये सारे आपके ग्लोबुलर प्रोटीन हैं और यहाँ पे आपका क्या आएगा फाइब्रस फाइब्रस प्रोटीन प्रोटीन में आपका का क्या है कैरेटिन ठीक है कैरेटिन के बाद और आपके जो एनिमल टिश्यूज वगैरह जितने भी हैं जो चीफ आप कह सकते हो स्टोरेज मटेरियल स्ट्रक्चरल मटेरियल जो है आपका एनिमल टिश्यूज का वो सारे इसमें आ जाएंगे कैरेटिन होगा और कोलेजन होगा एंड मायोसिन हो गया मसल्स वाला ठीक है और क्या होता है फाइब्रिन फाइब्रिन एंड फाइब्रिनोजन में फर्क है तो ये सारे आपके फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ठीक है फाइब्रस प्रोटीन्स सेकंड वाला भी गलत हो गया ना इन फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चर इज स्टेबिलाईज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ठीक है स्ट्रक्चर इज सर स्टेबिलाईज हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ये आपका फाइब्रस प्रोटीन के रिगार्डिंग नहीं होता मतलब होता है बट ऐसा नहीं है, है आपसे आपका, आप तो आपका, आपका एक टाइप प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसके लिए है खाली ओवरऑल इन जनरल आप नहीं कह सकते ठीक है तो ये भी नहीं होगा चौथा पॉइंट जो है आपका पीएच डज नॉट इफेक्ट द प्राइमरी ये आपका करेक्ट है क्योंकि पीएच का जो इफेक्ट है

So, मतलब ये है आपका पेरोक्साइड इफेक्ट है ना एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी पेरोक्साइड इफेक्ट आप इसको कह दीजिए एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगी यहाँ पे और आपका प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगा तो पहले हम लिखते हैं थ्री फिनाइल प्रोपीन ठीक है आ, प्रोपीन वन टू थ्री थ्री पे हमने लिख लिया सी सिक्स एच फाइव ठीक है ना इसको मैं कंप्लीट कर लूँ सी एच यहाँ पे आ जाएगा फिनाइल प्रोपीन हो गया एंड डायरेक्टली आंसर कर लेते हैं ना एच बी आर में वैसे आपका में क्या होता है जहां हाइड्रोजन होता है वहीं पे हाइड्रोजन और चला जाता है ब्रोमीन दूसरे पे लग जाता है लेकिन यहाँ पे क्या होगा जी यहाँ पे आपका यहाँ पे बी आर आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे एच आ जाएगा यही होगा ना एंटी मार्कोनिक तो एक पोजिशन पे इसको अगर आप दिखाना चाहो तो ऐसे शो कर सकते हो फिनाइल हो गया ठीक है एंड सी एच टू राइट सी एच टू और डबल बॉन्ड दो बॉन्ड दो तीन हाँ हा, 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 एक बॉन्ड भी तो घटेगा मुझे लगा मैं क्या कर रही हूँ सी एच बी आर ठीक है सी एच टू सॉरी बी आर यार मैं इसको जरा थोड़ा इधर खिसका के लिख दू वरना दिखेगा नहीं लेटमी ड्रॉ इट अगेन एच टूच टू टी एच टू बी आर ठीक है ये तो आपका बन गया इसका स्ट्रक्चर लेकिन इसका नाम क्या है इसका नाम है one phenyle, three तो है है फिनाइल ब्रोमो प्रोपेन तीन कार्बन तो ना अब मैं कभी भी देखो बेटा फिनाइल और ये ब्रोमीन दोनों आएगा दोनों आपका पहले ही लगेगा सब्सिट्यूएंट की तरह ही नाम आता है ब्रोमो क्लोरो का भी है ना पहले आता है प्रीफिक्स की तरह लगता है इसमें फिनाइल को आप वन नंबर हमेशा दोगे तो ये आपका वन फिनाइल थ्री ब्रोमोप्रोपेन है ना

कहीं पे भी नहीं बताया हुआ ना कि आपका C2H5BR, अगर आपको ध्यान हो हो रिएक्शन इसमें आप दो 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 मॉलिक्यूल लेते हो इसके तो ये दो ये कार्बन कार्बन ब्यूटेन बनना था इथेन नहीं बनना था पहला गलत हो गया अच्छा बनता है KNO2 के साथ आपका क्या बनेगा? दूसरे वाले के साथ एन एन टू या KNO2 के साथ बनता है. तो हमें भी देख लेते हैं

तो चारों मैंने आपको बता दिया करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ गया जी अः बी वाला ठीक है बी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट थी बाकी सारी गलत दे रखी थी को वेलेंसीड टू बहुत सिंपल है ये इसका आंसर है चार है ना क्यों क्योंकि उसके बाद आगे इसके पास कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं है कुछ नहीं है है ना तीन तो ये बॉन्ड बनाता है ये चौथा को वैलेंसी का मतलब एक मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है चार ही बना सकता है एक लोन पेयर है इसने डोनेट कर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तीन आपके बॉन्ड्स बना सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं क्यों क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है ना आपकी कोल्ड ड्रिंक में उसको ध्यान में रखते हुए कर लेना वॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वो गए सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है क्यों करती है क्योंकि डिजोल्यूशन इज एन कैसा प्रोसेस है डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है और रिवर्सिबल है या इन है देखो बेटा ये तो सिंपल सी चीज है आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है ना आप दोबारा उसको कर लेते हो लेकिन ये रिएक्शन आपकी कैसी है एक्सोथर्मिक है इसमें आपकी एनर्जी रिलीज होती है ठीक है सो बेसिकली आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस इट वाइनटीन क्वेश्चन हो गया अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फिफ्टीन शो एलोट्रॉपी एक्सेप्ट एलोट्रॉपी आपको पता है ना एलोट्रोप कार्बन के आपने पढ़ रखे हैं

पॉइंट आपका इन चारों में से होगा हिलियम मोनो है ठीक है बॉइलिंग पॉइंट आपका किस पे डिपेंड करता है एटॉमिक मासेस हैं वेड्रोवाल फोर्सेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है ना तो यहाँ पे आपकी लो डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा जी मोनो गैस है आपकी हीलियम ठीक जिसकी वजह से आपका उसका एटॉमिक मास भी कम है मोनो गैस लो एटॉमिक मास ये भी कर लो लो एटॉमिक मास डिस्पर्शन फोर्सेस कम हो गई एंड इसी की वजह से आपका उसका क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा ठीक है एंड डाउन द ग्रुप हाँ डाउन द ग्रुप आपका ग्रुप एटीन में बॉइलिंग पॉइंट आपका बेटा वैसे इंक्रीज होता है ठीक है ये याद रखना कॉन्सेप्ट याद रखना क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री लोअर मास अल्कोहल्स आर ये तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है

प्लस सेवन इसलिए आ जाती है फाइन आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन ए का इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक हाइपोटोनिक हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन पढ़ रखा है हाइपरटोनिक ठीक है एंड हाइपोटोनिक फाइन दो तरह का सॉल्यूशन है ना हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक जो ब्लड में आपका अगर आप नॉर्मल बात करें तो जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ये जो वैल्यू दे रखी है ना ये नॉर्मल आपका रहता है हाइपरटोनिक और हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कंसनट्रेशन हाइपर मतलब ज्यादा कंसनट्रेशन मोर देन जीरो पॉइंट यहाँ पे लेसो पॉइंट नाइन परसेंट अब ऑस्मोसिस अगर आप देखो किशमिश का एग्जाम्पल सोचो पानी बाहर अगर ज्यादा है किशमिश के अंदर गाढ़ा पाना ना कॉन्सेंट्रेटेड चीज है जो भी है उसके अंदर राइट सो so, पानी जब बाहर है ऑस्मोसिस क्या होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना जहां पे पानी ज्यादा है

मतलब जहां पे वेन प्लेड इन वॉटर कंटेनिंग मोर देन है ना बाहर कॉन्सेंट्रेटेड है इन कंटेनिंग मोर देन यस जब बाहर आपका कॉन्सेंट्रेटेड है किशमिश या जो भी चीज किशमिश नहीं तो ब्लड सेल्स की बात ब्लड सेल्स के अंदर आपका पानी आपका ज्यादा है बाहर कम है तभी तो हम बोल रहे इन वॉटर कंटेनिंग मोर देन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट बाहर पानी का अमाउंट कम है सॉल्वेंट कम है तो सेल के अंदर से पानी कहा जाएगा बाहर की साइड को इसको हम क्या कह देते हैं एक्जोसमोसिस ठीक है एक्सोस्मोसिस हो जाएगा जिसकी वजह से श्रिंकेज ऑफ सेल हो जाएगा एंड सेल की डेथ हो जाएगी ठीक है एक ही आपका सेल की श्रिंकेज होती है दूसरा आपका सेल आपका आपका सेल सेल हो जाता है ऑफ वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है ये भी अच्छे से पढ़ लेना ऑस्मोसिस सोल्यूशन में ही आपका जब आप पढ़ते हो ना प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पर ही आपका आता है कॉन्सेप्ट चलो सेक्शन बी में फिर से चौबीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनमें आपको बीस करने हैं ठीक है जी शुरू करते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स जो कि है इथाइलेकोहल उसका डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में देखो यहां भी डिग्री है यहाँ भी डिग्री है ठीक है कैलविन नहीं दे रखा है तो पहले तो हम लिखते हैं जी फॉर्मूला फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई

ये आपका क्या दे रखा है टी एफ है ठीक है घटने के बाद का है एक्चुअल में कितना होता था जीरो डिग्री माइनस माइनस फोर्टीन यही होगा ना तो यानी आंसर क्या आ जाएगा प्लस फोर्टीन डिग्री ठीक है अगर आपको मैं ध्यान दू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया है फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो फॉर्मुले में तो आपको यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगाना होगा लेकिन फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि जीरो डिग्री से चौदह पे घट गया है है ना घट गया है तो माइनस साइन ये प्लस आ जाएगा ये बड़े ध्यान से देना इन पॉइंट पॉइंट में and depression in freezing point में एंड डिप्रेशन बच्चा गलती कर देता है सीधे वो वैल्यू ले, ले लेता है आपको करना क्या है खुद से देखना है कि भाई डिप्रेशन और एलिवेशन दे रखा है या डायरेक्टली बॉलिंग है ये आपको घटने के बाद का दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा है जीरो से घटा है ना वो गैप आपको लिखना है तो यहाँ पे फोर्टीन वैल्यू आएगी ठीक है अब मैं इसको जरा सोल्व करूं एक मिनट इसको मैं रब कर दे रही हूँ बेटा तो दैट मैं आपको सोल्व करके दिखा सकूं ठीक है वैल्यूज ही पुट करनी है वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करना बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ <coughs> की वैल्यू दी है ये, पर में ही है ये भी आपका डिग्री में था कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं अदरवाइज आप केल्विन वाला करते हैं यहाँ कैलविन दिया होता या यहाँ पे डिग्री होता तो आपको कुछ चेंज करना पड़ता है राइट सी बात है डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करते

कैलकुलेट so, हाँ, कर लेना मैंने कर रखा था डायरेक्टली वैल्यू बिट करनी थी मेन चीज जो था वो डेल्टा टी एफ वाली वैल्यू थी और कुछ नहीं था मतलब यूनिट्स चेक करने होते हैं और चेक करने, एक वो चीज थी एक ये आपका कि वन लीटर ऑफ वाटर का पानी का वेट कितना होगा हमेशा याद रखो सौ ग्राम होता है ठीक है ये ग्राम में है चलिए जी अगला क्वेश्चन

तो लेट मी चेक आंसर हमें क्या करना है वन स्टेप हाँ क्लोरोबेंजीन और टॉलवीन में कन्वर्ट करना है ना टॉलवीन तभी होगा जब ये आप सी के साथ रिएक्ट करवाएंगे एंड साथ में सोडियम होगा ड्राई इथर की प्रेजेंस में तो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं आएगा ये आपकी वुड स्विटिंग रिएक्शन आएगी जो कि आपकी बी ऑप्शन है ठीक है वेट अ मिनट सी एच बेटा आपका ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एलकाइलेन होता है ना या एसाइलेशन होता है तो वो तो नहीं आपको चाहिए था टॉलवीन की सी एच थ्री लग जाए बेंजीन रिंग पे, वो तभी होगा ना जब आप इस तरह से रिएक्ट करवाओगे ठीक है सो वु रिएक्शन जो है आपका एन ए सी एल यहाँ पे निकल जाएगा साथ में ठीक आर सी एल ये एराइल वाला आपने लिया है दोनों सीएल के साथ आपका, आपका आ, सोडियम रिएक्ट कर जाएगा ये और ये यहाँ पे आप दो सोडियम लेते हो ठीक है टू एन ए सी एल निकल गया टॉलवीन आपका बन जाएगा यस आपका ये आंसर यहाँ पे करेक्ट बी ऑप्शन आ जाएगा वन पार्शियल ये रिएक्शन याद कर लेना सच बताऊंगी मुझे भी ध्यान थी मुझे भी देखना पड़ा ठीक है लिखने दो जरा मुझे कि क्या आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन एक्सू एफ टू प्लस फोर एच एफ ठीक है ये इसका करेक्ट आंसर है एंड इसकी वैल्यू आप लिख लेना अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो एक तो ये बनता है एफ फोर प्लस टू एच एफ ठीक है ये बनता है तो ये चारों में से कहीं ऑप्शन नहीं था ठीक है ना ऑक्सीफ्लोराइड दूसरा आपका बनता है वाटर ये जो फाइनल प्रोडक्ट पे आपको दे रखा है तो ये दोनों ही रिएक्शन याद रखना ये दोनों ही इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस है जीनॉन्स के बेटा आपके जितने कंपाउंड्स है ना उसकी रिएक्शन अगर याद हो जाए तो कर लेना ठीक है ये चीजें है ही ऐसी जो भूल जाती है बार बार बट अगर इस पर सवाल आता ही आता है ये भी फिक्स है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज सुक्रोज आपका कैसा रिएजेंट है वो आपको ध्यान रखना है उसके बेसिस पे आप इस चारों का आंसर इन चारों का आंसर कर सकते हो रिड्यूसिंग शुगर शुगर नॉन रिड्यूसिंग ध्यान है ना उसके बेसिस पे इट कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट हाउवर कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट गलत है दोनों को ही नहीं करता इट अंडरगोज म्यूटा रोटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मतलब पता क्या होता है कि आपका रेसमिक मिक्सचर होता है और फाइनल करते करते एक ही आ जाता है अल्फाबीटा दोनों का ध्यान होगा म्यूटा रोटेशन

एनजेशन मैं आपको एक बारी ट्रेंड बताना चाहूंगी ठीक है ट्रेंड देखो बेटा पहली चीज क्या है कि साइज़ साइज़ यस आप जब यहां से यहां इधर जाते हो ना ठीक बी सी एन ओ एफ ठीक है ये लिख लो एंड uh, इसके नीचे नीचे का लिख लो कार्बन के नीचे क्या जाएगा सिलिकन फॉस्फरस सल्फर ये इतना का हमारा काफी है हमें इससे ज्यादा बाहर दे भी नहीं रखा तो जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज आपका रिड्यूस होता है आयनाइजेशन इन थे इंक्रीज होती है ये जनरल ट्रेंड बता रही हूं मैं ठीक है और डाउन द पीरियड में क्या हो जाएगा साइज इंक्रीज होता है आयनाइजेशन इन थे डिक्रीज होती है जितना साइज बड़ा है उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान है आयनाइजेशन एन थेरेपी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी आयनाइज करने के लिए ठीक है तो आपको पूछा था हाईएस्ट आयनाइजेशन इन थेपी किसकी होगी

यानी कि स्टेबल कॉन्फिग्रेशन तो यहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना उतना ही मुश्किल होगा इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन ये एक एक्सेप्शन था बेटा इसीलिए आंसर पे नाइट्रोजन आएगा ऑक्सीजन नहीं आएगा जनरल ट्रेंड आप फॉलो करते तो ऑक्सीजन आता लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखनी होती है नाइट्रोजन कभी भी जब ये स्टडी करो ना तो ये देख लेना कि स्टेबल uh, कॉन्फिग्रेशन कहीं ना आ रही हो फाइन चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू मेटल एटम इसको जरा मैं एक बार सारा हटा दू रब कर दू Then हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि चाहिए ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करने के लिए हमारे ऑलमोस्ट फिफ्टी फाइव में से थर्टी क्वेश्चन question, हो चुके हैं थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं फिर हमारा सैंपल पेपर उप्स ये भी रब हो गया सैंपल पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा थर्टी वन का ए है ना चलो जी उसके बाद थर्टी टू क्वेश्चन है ना मेटल आयन फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर ऑक्साइड आय आपके हाफ ऑक्टाहेड्रल हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में वैसे मैं आपको सच बताऊं थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी इसमें यह लगी कि एनायंस कभी वॉइड्स में नहीं होते हैं uh, होते हैं ठीक है बट स्टिल अब दे दिया है क्वेश्चन तो उसके हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको हाफ ऑक्टाहेड्रल हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या आएंगे आपके ऑक्साइड आय तो लेकिन आप यहाँ पे लेट क्या करोगे लेट मेटल एक्स कर लिया आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे उसके अकॉर्डिंग ही होंगे ना ठीक है x एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे डबल ठीक है टू एक्स गॉट इट ऑक्साइड आयंस आपके कहां कहां प्रेजेंट हैं वो भी देख लो ऑक्साइड आयंस कहां थे हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल हाफ ऑफ टू एक्स तो हाफ x प्लस x डेढ़ एक्स हो गया यानी कि थ्री बाय टू एक्स तो मेटल इज टू ऑक्सीजन x इज टू थ्री बाय टू एक्स क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा एम टू ओ थ्री बन गया फार्मूला लो आ गया आंसर एम टू ओ थ्री डी ऑप्शन ये इसी तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं आप लेट करते हो हो के अकॉर्डिंग फिर आपका क्या हो जाता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल टेट्राइडल जितने होते हैं उतना ही होता है एंड टेट्राहेड्रल वर्ड उसका डबल होता है ठीक है सो यहाँ पे थोड़ा सा झोलमाल दिया हुआ था क्वेश्चन में बट सॉल्व इसी तरह से करना पड़ेगा मैंने भी पहले देखा कि क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा बट एनी वेज क्या कर सकते हैं हम चलिए जी उसके बाद हमें करना है

आखिरी क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई बताना है ना यस uh, एक्स yes, और वाई बताना है हम जरा रिएक्शन ही लिख लें ये है आपका टॉल्विन ठीक है पहला आपका दे रखा है क्लोरीन uh, और किसकी uh, प्रेजेंस में दिया है ई सी एल थ्री एनहाइड्रस एफ ई सी एल थ्री आपका ठीक है दूसरा आपका क्या दे रखा है क्लोरीन ही है विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ठीक है ये है दो केस है दोनों के प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए यहां पे आपका एक्स बनेगा यहाँ पे आपका वाई बनेगा ये भी दिया हुआ है ऊपर बेटा आपका हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्ट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल दोनों के नाम आपको पता लग गए जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन करवाते हो तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है

मिथाइल यहाँ पे आपका आ जाएगा सी सी एल थ्री ठीक है जितने आपके हाइड्रोजन हैं सब हट जाएंगे तो अब चेक करना पड़ेगा हमें आंसर कहाँ पे है ऑर्थो पैरा एक्स केस में यही दे रखा है बस तो आंसर सी आ जाएगा इट ठीक है लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन जब भी रिएक्शन करता, करता है ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ओजोन इज मॉलिक्यूल कैसा है Linear है, है, है? एंगुलर कैसा वो बताना है आपको। और क्या बोला हुआ है And the two oxygen bond lengths. पहली बात मैं आपको बता और ये रेजोनेंस होता है इसमें तो लेंथ दोनों ये वाली ये वाली सेम आएगी कि आंसर डी आ गया क्वेश्चन का डी ऑप्शन अगला है वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई सोल्ट इंटेक मतलब या पफिनेस फूल फुलावट आ जाती है पानी अगर ज्यादा कहीं इकट्ठा हो जाएगा शरीर में भी या हाई सोल्ट इंटेक में वो किस वजह से होता है डिफ्यूजन रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस या वेपर प्रेशर डिफरेंस वेपर प्रेशर का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है पे, यहाँ पे ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा पानी अंदर आना या ज्यादा उसी के रिगार्डिंग है ना यहाँ पे तो ऑस्मोसिस सॉल्वेंट की बात हो रही है तो ऑस्मोसिस ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ग्लूकोज की रिएक्शन आप कर रहे हैं यहां दिख रहा है मुझे इन दोनों में बना है सी और डी में पेंटाइसिटेट बन रहा है ए और बी तो कैंसिल आउट ही हो गया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से साथ बेटा आपका एसिड बनता है ठीक है एसिड आपका COOH एच और सैक्रिक एसिड बनता है सैक्रिक एसिड आपका मतलब कि जो आपके ऊपर वाले दोनों कार्बन होते हैं टर्मिनल एंड्स वाले वहां पे सी ओ एच बन जाएगा बीच वाला तो आपका सेम रह जाएगा जब मैं आपको प्रोडक्ट बता देती हूँ क्या बनेगा यहाँ लिखते हैं सी ओ ओ एच एंड सेंटर में है आपका सी एच टू फोर राइट और क्या था लास्ट में आपका COOH एच ठीक है तो नाइट्रिक एसिड आपके पूरे को रिजॉल्व करके आई थिंक एच एच ओ बनाएगा सी एच टू फोर डाउट यहाँ पे सी एच टू ओ एच आएगा बेटा सी एच ओ एच आई थिंक सी एच ओ एच फोर ठीक है सो दोनों आपके टर्मिनेंट्स पे सी ओ एच आ जाएंगे तो इन दोनों में से यही वाला एक ऑप्शन था सो so यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा ठीक है

डिवाइड बाय ए क्यूब ठीक है ना एंड एनओ एन ओ मतलब हूँ ठीक है ना एनएसएल का अच्छा ए क्यूब ये बेटा आपका सेंटीमीटर में होता है तो ये आपको जो नैनोमीटर दिया था ना इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इंटू एक मिनट जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन एच पार माइनस सेवन नाइनोमीटर क्या होता है ना क्योंकि तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर से सेंटीमीटर दो कम हो ऑब्वियसली ये बच्चों को ना कई बार कन्वर्जन नहीं आती है मैं आपको बता देती हूँ मीटर आ गया मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई हंड्रेड से मल्टीप्लाई मतलब टेन एच पॉइंट माइनस सेवन आ गया कई बार ना टीचर जल्दबाजी में कर देते हैं तो बच्चे को यही चीज समझ नहीं आती है कि मैडम ये कैसे कन्वर्ट हुआ यूनिट कन्वर्जन बहुत सिंपल है बट आनी चाहिए ठीक है इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हैं अच्छा तो मैंने ये लिख दिया एवोगैड्रो नंबर टू इसको पूरे को बस सॉल्व कर लो सिंपल है और कुछ नहीं है भाई थ्री पॉइंट वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहां भी आंसर देखो सेंटीमीटर में दे रखा है तो सी आंसर आपका आ जाएगा ठीक है थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन

और इसका है ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी चलो मैं आपको एक बार पहले ट्रेंड बता देती हूँ बी आर टू एफ टू एंड आई टू ठीक है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी सबसे ज्यादा क्लोरीन की है फिर नीचे जाते जाते वो आपकी घटती जाती है लेकिन फ्लोरीन में आपका क्या है न आपका छोटा मॉलिकुल है रिपल्शन के कारण इसकी बॉन्ड उसका बॉन्ड जो है वीक हो गया इस वजह से यहाँ आ गया ठीक है रिपल्शन के कारण बॉन्ड वीक हो गया है तो ये इसका करेक्ट ट्रेंड है इसी वाले टॉपिक इसी वाले पेपर में कहीं किया अभी है ना इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बॉइलिंग पॉइंट किया था तो बॉइलिंग पॉइंट के, के लिए दोनों आपने बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था ना कि h2s का सबसे कम बॉलिंग पॉइंट है तो यहाँ पे आपको बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एसिड स्ट्रेंथ आपकी क्या करती है इंक्रीज करती जाती है डाउन द ग्रुप ठीक है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ये सब डाउन द ग्रुप ही है सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ है यहां पे तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करी हम सब कुछ डाउन द ग्रुप स्टडी कर रहे हैं ठीक है तीसरा आपका क्या है अमोनिया एन टू एन एच टू एच एन टू ओ फाइव इसमें आपको सबकी वो आनी चाहिए क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया में क्या है जी अमोनिया में ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री उसके बाद एन टू ओ में और किसमें किसमें निकालना है एन एच टू ओ एच में और एन टू ओ फाइव में मैं सबकी लिख देती हूँ एन टू ओ में प्लस वन आ जाएगी आई थिंक आप ये कैलकुलेट करना जानते होंगे उम्मीद करती हूँ

वट वुड रिएक्टेंट एंड सबसे हो ना टू फोर डाइमिथाइल पेंटेन थ्री ओल पेंटेन लिखा मैंने पांच थ्री ओल सेंटर वाला आ जाएगा ना ओल यहाँ ओ OH एच लगा दिया टू फोर इधर से करोगे वन टू थ्री फोर फाइव यहां मिथाइल और यहाँ मिथाइल ठीक है यहाँ भी अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दें H H ये बन गया आपका टू फोर डाई मिथाइल पेंटेन थ्री प्रोडक्ट हमारा पता लग गया अब हमारा ये बनेगा किससे मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैग्नीशियम आयोडाइड यानी कि ग्रिगनाड रिएजेंट की बात हो रही है ठीक है तो अगर मैं आपको यहाँ पे लू टू मिथाइल प्रोपेनल एल्डिहाइड से बनेगा ना टू मिथाइल Yes. यस, से बनेगा टू मिथाइल प्रोपेनल जरा देखो प्रोपेनल टू पे मिथाइल लगा है And, uh, है ना? टू मिथाइल मिथाइल प्रोपेनल, फाइन. एंड मैग्नीशियम आयोडाइड या आइसोप्रोपाइल. नहीं आइसोप्रोपाइल आएगा तीन कार्बन चाहिए ना ठीक है मिथाइल से तो बात ही नहीं बनेगी आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड आइसोप्रोपाइल आपका क्या होगा सी एच थ्री ट्वाइस सी एच एम जी आई अब आपको पता है ना यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अलग जुड़ेगा हट जाएगा है ना ओ के साथ एच आ जाता है तो ये आप देख सकते हो ये वाला पार्ट यहाँ इस साइड से आ रहा है, यहां आ गया जी, D option, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस कर लेना रिएक्टेंट रिएजेंट ये बड़ा पूछ लिया जाता है ये रिएक्टेंट एंड रिएजेंट क्यों बोले रिएजेंट तो दे रखा रियेजेंट, रियेजेंट के लिए कह दिया बट ये दोनों रिएक्टेंट है आपके चलो क्वेश्चन नंबर उसके बाद आता है

पी uh, थ्री निकला है बहुत बार है ना एंड जो बनता है वो क्या बनता है एल्काइल हेलाइड एल्काइल हेलाइड भी क्या मतलब बेंजाइल वाला आपका पार्ट रह गया यहाँ पे हेलाइड आ गया ओ OH एच तो ऑलरेडी रहेगा तो so, इसका नाम क्या है इसका नाम हो गया टू यस टू क्लोरो फिनोल है ना टू फिनोल इज बी ऑप्शन ठीक है फोर्टी वन का बी आ गया टू क्लोरो सेकेंड पे भाई क्लोरो लगा ये ओ एच आ गया ना यहाँ पे ठीक है क्लोरो ठीक है चलो इन्होंने जो नाम दे रखा था उसके बेसिस पे आपने रिएक्ट करवाया है बट ये फाइनल आपका फिनोल का ही प्रोडक्ट बनेगा ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स इज ट्रू एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंगस फोर्टी टू में सेंटेंस मेरे को दिख रहा है कि करेक्ट है बाकी भी चलो पढ़ लेते हैं बाकी मैं आंसर बता देती हूँ पहला करेक्ट है ये एमोनिया आपका बेटा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ठीक है और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है फाइन स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं ये आपको ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एमोनिया वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये चारों में ये बता रखा है मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ एमोनिया आपका बहुत अच्छा बेस है इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से देता है उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना एंड तो स्ट्रॉगेस्ट बेस है क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है आसानी से दे सकता है एंड एमोनिया वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लेकिन रिड्यूसिंग रिडक्शन में हेल्प नहीं करता है फाइन चलते हैं जी अब क्वेश्चन से कार्बन इधर भी जुड़ा है इधर भी दो जगह जुड़ रखा है आपने जस, जस चेक करना जहां ओच लगा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा है या नहीं है ये यहाँ पे जुड़ा है यहाँ पे नहीं जुड़ा है तो टर्शरी हो गया ठीक है ये सेकेंडरी था तीसरे के केस में Uh, तीसरा तीसरा ये वाला आपका इधर और इधर जुड़ा है बट ये डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से कंसीडर नहीं कर सकेंगे खाली सेकेंडरी हम नहीं मानेंगे ठीक है इट शुड बी कंसीडर्ड एज हाँ यहाँ पे ये आपका सेकेंडरी नहीं होगा ठीक है ये आपका ये फिर से सेकेंडरी है ठीक है सो करेक्ट आंसर आपका यार वैसे फर्स्ट थर्ड फोर्थ होना चाहिए मेरे ख्याल से तो यस इट शुड बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन आएगा तीनों ही आपका सेकेंडरी है ना ये भी आगे जहाँ पे लगा है इधर भी और इधर भी दो जगह दो कार्बन से जुड़ रखा है ना तो इट शुड बी सेकेंडरी है ना करेक्ट आंसर फर्स्ट थर्ड फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर टू फॉर्मेशन ऑफ ठीक है इसकी रिएक्शन है वो आपको अगर ध्यान हो एल्किन्स करते हैं ब्रोमीन वाटर और अच्छा प्रोडक्ट क्या बनेगा है ना एल्किन सपोज करो मैं ये ले ले रही हूं तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हटता है ठीक है डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड रह जाता है ब्रोमीन वाटर के केस में आपका दोनों साइड ब्रोमीन लग जाता है तो ये आपका बन गया विसिनल डायहाइट साथ, साथ वाले उस पर लगा ना विसिनल डायब्रोमाइड ऑब्वियसली से कर रहे हो डायब्रोमाइड डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया ठीक है चलो अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर अब रीजन रीजन वाले वाले हैं ठीक है वाले में एक तो ये पता होना चाहिए रीजन दोनों करेक्ट हैं ट्रू हैं और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए लिखते हो दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन जो आपका दे रखा है तो बी है ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन ए फॉल्स है आर ट्रू है तो डी ऑप्शन ये याद रखना वैसे दिया भी होता है बट ध्यान भी रखना ठीक है पहला क्वेश्चन बट ग्रेटर दोबारा ध्यान से पढ़ेक्ट्रॉन गेन इन थे आपकी ऑक्सीजन की कम है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन हाँ बिल्कुल फ्लोरीन में तो रिपल्शन ज्यादा होने लग जाती है लेकिन ग्रेटर देन है नाइट्रोजन से यस yes, ठीक है ये करेक्ट है आयनाजेशन एनथेरपी नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन की ज्यादा है फिर फ्लोरीन की यहां तो ठीक है आगे ठीक नहीं है तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आर इज फॉल्स ठीक है 45 का सी आ जाएगा आर आपका गलत है फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स में आपको यहाँ पे ना इसका ये होता है एफ एन ओ क्लोरिन आपकी मतलब ज्यादा होती है कहने का मतलब है ठीक है, ठीक है? चलो अभी अभी किया आयनाजेशन एनथेलपी तो हमने

ठीक है नीचे जाते जाते आपका रिड्यूसिंग जो करेक्टर है कम होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है तो एसोसियन आपका करेक्ट है इसमें लेकिन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाई की डिक्रीज करती है फ्रॉम SO2 से लेके TeO2 TeO2 ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हाँ ये भी इसको करेक्ट इसको एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है तो यहाँ आपका यहाँ आंसर आ जाएगा फोर्टी एट का ए ठीक है दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि डाउन द ग्रुप आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जा रही है फाइन ठीक है जी अगला क्रायोस्कोपिकेशन कॉन्स्टेंट को कहते हैं क्रायोस्कोपिक ठीक है और जो मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट है उसको आप कहते हैं इबिलियोस्कोपिक ये नाम भी ध्यान रखना डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट हाँ जी सबका डिफरेंट अलग अलग होता है ना क्रायोस्कोपिक इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये तो गलत है तो रीजन तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है राइट मतलब सी uh, ऑप्शन है ना यहाँ सी ऑप्शन आ जाएगा अब है जी सेक्शन सी जिसमें आपको पांच क्वेश्चन ही करने हैं छह में से सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 में अमीनो एसिड्स को हम किसके साथ कर सकते हैं अमीनो एसिड्स की बजाय ना पहले बाकी भी एक बार देख लेना अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन से लग तो रहा है लेकिन कुछ तो और भी हो सकता है चेंज प्रोटीन से यानी फर्स्ट का ए इसमें और इसमें दे रखा है ना फिफ्थ का डी जुटरायन, जुटरायन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते लेकिन हाँ कनेक्ट कर सकते हो ठीक है ए इन दोनों में आ जाएगा. और डी आपका कैंसिल हो गया क्योंकि यूरेसिल आपका जुटर आयन नहीं है बेटा फर्स्ट का सॉरी मतलब फर्स्ट का ए आपने प्रोटीन लिया था ना बट बाकी इसमें करेक्ट सेट नहीं बैठ रहे थे ठीक है चलो पहले बाकी देख लेते हैं एक बारी सारे कर लेंगे ना उसके बाद पता लगेगा पहले का रिटर आ गया फर्स्ट का डी हो गया सेकंड का डीएनए में होता है ना सेकंड का सी सेकंड का इस पे हम लिखते हैं ऐसे सेकंड का सी इंसुलिन इंसुलिन आपका प्रोटीन है कि न्यूक्लिक एसिड है अब अगर आपको ध्यान हो इंसुलिन प्रोटीन है जी पढ़ चुके हैं ये हम फॉस्फोडाइस लिंकेज या यूरेस्िल यूरेस्टिल खाली न्यूक्लिक एसिड के साथ मैच नहीं कर रहा चौथा यानी आपका जो न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडा लिंकेज होता है तो इसके अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है 50th का बी ऑप्शन ठीक है ये देख लेना ध्यान से था तो सिंपल लेकिन बच्चों को डाउट हो जाता है क्योंकि अमीनो एसिड्स को प्रोटीन के साथ जोड़ देते हैं वो बाकी चेक ही नहीं करते हैं ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन एनोलॉजीज आपने चेक करनी है नाइट्रोजन की दे रखी है क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चार तीन सात सॉरी आर्गन की दे रखी है

126 216, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा ठीक है अगर आप देखो तो कहाँ सेट बैठ रहा है आएगा आएगा इन दोनों में आएगा ना इसमें इसमें या इस में, राइट फोर हाँ. ऑप्शन ही नहीं है सिक्स आंसर आ गया फिफ्टी थ्री का सिक्स फोर्थ ऑप्शन फोर ऑप्शन में दे नहीं रखा था सॉलिड ए बी है स्ट्रक्चर ओके रेडियस ऑफ कटायन दे रखा है कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनआईन अब ये आपको 54 का डी आप कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे बेटा आपका जो रेंज है स्क्वायर प्लेनर का वो ये दे रखा था ना ठीक है मैक्सिमम और आपको कटाइन की वैल्यू दे दी है वन पिकोमीटर ठीक है ना तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो ना जीरो पॉइंट फोर वन फोर इक्वल टू कटायन की रेशियो डिशियो है ना एन आइए की रेशियो आप एक्स मान लो कैलकुलेट तो करके आ, आ रहा, मैंने रहा, रहा है।, आप के लिए। एट है और दूसरा है आपका जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू वन टी बागेन एंड यहाँ से आपका आ जाएगा वन सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन की सो so, उसमें पूछा था मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन आयन तो यहाँ टू नाइनटी आपका आंसर आ जाएगा इट सिंपल ही था रेडियस रेशियो रूल ये पैसेज भी आपका पूरा रेडियस रेशियो रूल पे बेस्ड है ये देखो यहाँ लिख रखा है ठीक है आखिरी क्वेश्चन अ गुड फिट इज कंसिडर्ड टू बी वन वेयर कैन टच ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर एनायंस मोस्ट ऑफ इट सम ऑफ ऑफ इट नन समे तो बड़ा सिंपल सा पता है मैं जब सबको टच कर रहा होता है तब हम कहते हैं कि बेस्ट फिट है ठीक है सो so, ये था हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो कि मैंने 55 के 55 क्वेश्चंस आपको पूरे सॉल्व करवा दिए हैं एंड एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन भी किया है साथ में इसकी थ्योरी भी पढ़ाती गई है तो आई होप आपका सैंपल पेपर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा एंड गाइज जो भी मैं आपको साथ साथ बताती गई उसको प्लीज ध्यान देना किस टॉपिक पे मैंने ज्यादा फोकस दिया कहा ज्यादा कहा है एंड रेगुलर बने रही हमारे साथ चैनल पे क्योंकि हम सारे चैप्टर्स की क्विक रिविजन वीडियो निकाल रहे हैं एंड एमसीक्यूज निकाल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है थोड़ा सा टाइम देना है जिस बच्चे की तैयारी नहीं भी हो रखी है या कम तैयारी है लास्ट मोमेंट पे वो अच्छे से रिवाइज कर सकता है इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ काफी अच्छा स्कोर कर सकता है एग्जाम में ठीक है एंड मैं सच कह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मैं करवाऊंगी उसमें से ही क्वेश्चन अप हो जाएंगे ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं ठीक है सो प्लीज उसके लिए आपको क्या करना है सब्सक्राइब द चैनल हिट लाइक बटन एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले किसी चैप्टर की रिविजन के साथ जिन चैप्टर्स की रिविजन चैनल पर डल चुकी है उनको प्लीज प्ले में जाकर चेक कीजिए एंड रिवाइज करके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो बाई टेक केयर गुड लक ऑल द बेस्ट